नगर निगम सोनीपत में मेयर पद के आजाद उम्मीदवार सुशील कुमार मानव ने मानवता की मिसाल देते हुए बताया कि जिस तरह से राजनीति में जातिगत भेदभाव का कार्ड खेलकर सरकारें बनाई जाती हैं, वो उनके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि लोग उन्हें अपना मेयर चुने न चुने पर भाईचारे से जरूर रहें। वहीं मानव ने सरकारों से भी जमकर बहस करने का मुद्दा ढूंढ लिया है और वो मुद्दा है जनता की कमाई पर लगने वाला टैक्स। सुशील कुमार मानव इस टैक्स के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इस टैक्स के बदले उन्हें सरकार सुविधा तो दे ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। भाई को भाई से, हिंदू को मुस्लिम से और जात पात की फूट डालकर आपस में लड़ाने वालों को अब हमें समझना होगा। पेश है एक रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम है सुशील कुमार मानव। मानव इसलिए लगाता हूँ कि मैं सबसे बड़ी जो राजनीति है वो खत्म करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी राजनीति हमारे देश में ये है कि आपस में जात पात के नाम पे लोगों को भिड़वाते हैं, भाई भाई को अलग कराते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, कभी पंजाबी बनिया जाट ब्राह्मण। मैं इन चीज़ों से अलग लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि हम मानव जाति में पैदा हुए हैं और मानव ही हमारी जाति है और यही हमारा धर्म है और मानवता के नाते इंसानियत हमारा धर्म है, ठीक है। दूसरा मेरा उद्देश्य मेयर पद के लिए सोनीपत नगर निगम से ये है कि जो सरकार हमारे से इतना ज़्यादा टैक्स लेती है, चलो ठीक है ले लो टैक्स, कम से कम वो सुविधा के रूप में हमें घर बैठे वापस तो दो। ये नहीं कि भाई कोई 10 करोड़ में टिकट खरीद के ले रहा है, कोई इस पार्टी का है कोई उस पार्टी का है, और उसने भाई हम अपना कीमती वोट दे दें, अपने हाथ कटवा ले हैं और फिर वो दिया और टैक्स भी हमारा खा गया। तो मेरी लड़ाई सिर्फ इसके लिए है कि भाई हमारा टैक्स हमारे पास वापस होके सुविधा के रूप में घर बैठे मिले। आप एक वकील होते हुए राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, क्या विशेष रणनीति रही? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कई बार वो पढ़े लिखे होकर भी बेचारे अनपढ़ हो जाते हैं। वो कानून, दरअसल कानून की बहुत सारी बारीकियां हैं जो वो नहीं जानते, वो अपने सीधेपन में भोलेपन में भाईचारे के बहकावे में आ जाते हैं और वो फिर पार्टी बाजी को वोट दे देते हैं, ठीक है। मेरा प्लेटफार्म में मेरी हार जीत की कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है कि मुझे अब प्लेटफार्म मिला है लोगों को जागरूक करने का, ताकि मैं लोगों को जागरूक करूं, उनको कानून के बारे में बताऊं कि असली लोकतंत्र लोगों के हाथ में है, संविधान में लिखा हुआ है। फिर ये नेता क्यों सारा लोकतंत्र अपने पास रख लेते हैं, फिर हमें पूछते भी नहीं। अब हमारे किसान भाई सड़कों पे पड़े हैं, मैं ये पूछता हूँ इस सरकार से, भाई कौन से किसान उनके पास गए थे कि भाई हमारे लिए ये कानून बना दो, हम दुखी हो रहे हैं। भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई कौन से किसान गए थे, और जब नहीं गए तो फिर भाई क्यों ठोक रहे हो, और भाई ठोक रहे हो तो हमें नहीं पसंद। तो भाई आगे प्रधानमंत्री महोदय कहते भाई बनाए तो थारे भलाई के लिए थे, देखो 2 दिन में पूरा देश खुल जाएगा, बनाए तो थारे भलाई के लिए थे, तुम्हें नहीं पसंद तो ले भाई वापस लेता हूँ। अब किसान देश की सड़कों पर बैठा है, सर्दी है और मौसम बेहद खतरनाक होता जा रहा है, किसानों की कईयों की मौत भी हुई है, उसके बारे में क्या? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसके दम पर हम आज जीवित हैं, एक दो ही शक्ति है इस देश में, किसान और जवान। किसान हमें खाने के लिए अन्न देता है और जवान हमारी सीमा पर रक्षा करता है। आज स्थिति इस देश की वो आ गई है कि जवान और किसान आमने सामने हो गया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा। तो मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से ये अपील करना चाहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और जो देश रुका पड़ा है उसको फिर से चालू कर दें। ये नहीं कि भाई आपके पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, आपको तो सड़कों की जरूरत ही नहीं और पब्लिक की भी जरूरत नहीं, देश जाए बाढ़ में, ऐसा उनको नहीं सोचना।